समाजवादी पार्टी नाम की भैंस चारा मुसलमानों के नाम का खाती है और दूध यादव दूहते हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा नाम की भैंस चारा तो खाती है मुसलमानों का और उसी भैंस का दूध दोहते हैं यादव। समाजवादी पार्टी ने रामगोपाल यादव को बचाने के लिए आजम खान को बलि का बकरा बनाया है। यही नहीं, सरकार आने पर मॉब लिंचिंग का कानून बनाने की भी बात उन्होंने कही है। रखी गई है किस संबंध में रखी गई है? देखिए, अल्पसंख्यक कांग्रेस के तरफ से हर ज़िले में 2 दिन का रुकने का निर्देश है आदरणीय प्रियंका गांधी जी की तरफ से, और इस दौरान मीडिया के जरिए कांग्रेस पार्टी की नीतियों, विपक्ष के जो दूसरी पार्टियां हैं उनका क्या रवैया है जनता के बारे में, ये सब बातें कहने के लिए निर्देशित किया गया है। उसके अलावा संगठन, पार्टी के सीनियर जो लीडर्स हैं और समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनसे और आम लोगों से संवाद का कार्यक्रम है, उसी के तहत मैं यहाँ 2 दिन के लिए आया हूँ। अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, लुभाने का काम सपा बसपा करती है, हम तो उनका अधिकार देना चाहते हैं, क्योंकि लुभाना, लालच देना ये समाजवादी पार्टी करती रही है और राजनीति में पिछले 30 साल से वो लोग हैं, तो वो जो कहते हैं वही एक शब्दावली मीडिया में भी चल गई है। जनता को लुभाना रिझाना हमारा काम नहीं है, जनता को जो उनका अधिकार है वो हम देना चाहते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं उससे उनमें दहशत है। हमारी सरकार अगर यहाँ आती है तो हम लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाएंगे। दूसरी बात जो आम लोगों को बताना है वो ये कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों से वोट तो ले लेती है लेकिन उनके लिए कभी कुछ करती नहीं है। यहाँ तक कि सच्चर कमेटी को भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने उनके जो सिफारिशात थे जो केंद्र सरकार द्वारा मंजूर कर लिए गए थे उनको राज्य में लागू नहीं होने दिया। यहाँ तक कि 27% का आरक्षण में 10% पसमांदा मुसलमानों को रिजर्व करने की जो कोशिश थी कांग्रेस पार्टी की उसका भी विरोध मुलायम सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर किया। और भी तमाम ऐसे उदाहरण हैं, जैसे आप आजम खान का मामला देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी को उन्होंने पूरी ज़िंदगी दे दी लेकिन समाजवादी पार्टी ने राम गोपाल यादव को भ्रष्टाचार में जेल जाने से बचाने के लिए आजम खान को ही बलि का बकरा बना दिया। तो ये सब तमाम मसले हैं जिस पे आवाम को जागरूक करना है, और हमारा उनसे वादा है कि अगर हम सरकार में आते हैं और आपके प्रयास से ही हमको आना है तो हम आपके लिए वो तमाम चीज़ें करेंगे जो पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश के मुसलमान इंतज़ार कर रहे हैं। सर, विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस उतरी है? देखिए, हमारा मुद्दा वही है जो आम जनता का मुद्दा है। आम जनता का मुद्दा बेरोजगारी है, गरीबी है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जब से सत्ता संभाली है बहुत बड़ा एक इवेंट किया लखनऊ में, पूरे दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को बुलाया और उसमें 1000 करोड़ रुपए खर्च हो गए लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे 1 पैसा भी किसी ने उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या इससे पहले जो अखिलेश यादव जी की सरकार थी उसमें इतनी अराजकता होती है कि कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाना चाहता। तो विकास के लिए सबसे पहले शांति स्थापित करना है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहले हम आम लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। आप देख रहे हैं पुलिस का इकबाल कितना गिरा हुआ है, लखनऊ में दिन दहाड़े हजरतगंज में हत्याएं हो रही हैं, तो ये जो एक अराजकता का माहौल बना है ये भी हमारे लिए एक मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी से धोखा खाए मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। समाजवादी पार्टी जिस जाति के आधार पर राजनीति करने का दावा करती है उस बिरादरी की यानी यादव बिरादरी का वोट सिर्फ 5% है और उसमें से भी ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी और दूसरी जगह भाग गया है। यानी समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव इस समय सिर्फ 2.5% अपनी बिरादरी के लोगों के नेता हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19.5% है जो समाजवादी पार्टी को अब तक ढोता रहा है लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिला है। हम आम लोगों को, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ये समझा रहे हैं, समाजवादी पार्टी एक ऐसी भैंस है
जो चारा तो खाती है 20% वाले मुसलमान के घर, लेकिन दूध दोहते हैं सिर्फ अखिलेश यादव की बिरादरी के लोग। अब ये आगे नहीं चलेगा। मुसलमान सपा नाम की जो भैंस है उसको चारा खिलाना बंद करेगा इस चुनाव में, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अल्पसंख्यक समुदाय